मांझी नगर पंचायत के आसन्न चुनाव में भी बेरोजगारी का मुद्दा सिर चढ़कर बोल रहा है। मांझी नगर पंचायत क्षेत्र से चेयरमैन पद के प्रत्याशी मालती देवी के पुत्र व युवा नेता सत्य प्रकाश उर्फ सत्या सिंह ने इस क्षेत्र को रोजगार का हब बनाने का वादा किया है। उन्होंने युवकों को खेल के संसाधन उपलब्ध कराने, साथ ही नली गली को दुरुस्त कराने, खास तौर पर क्षेत्र में मौजूद तालाबों का सौंदर्यीकरण कर आकर्षक बनाने का भी वादा किया है। उन्होंने कहा कि आज़ादी के बाद से उपेक्षित इस क्षेत्र को विकास की रोशनी उपलब्ध कराना ही मुख्य उद्देश्य है। गुरुवार को मालती देवी के समर्थन में सत्या सिंह के नेतृत्व में जनसंपर्क हेतु निकली बाइक रैली में शामिल दर्जनों युवाओं की टोली ने अन्य प्रत्याशियों के लिए एक लंबी लकीर खड़ी कर दी है। माध्यम से मैं जनता को प्रणाम करता हूँ और सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद करूँगा कि आप लोग मांझी के लिए जो जागरूकता अभियान और ये अभियान जो चला रहे हैं लोग, इसके लिए भी धन्यवाद है। देखिए, जनता के बीच में जाने के बाद कुछ समस्याएं मिली। आज भी लोग बुनियादी सुविधाओं से दूर हैं, कहीं सड़क नहीं है, आज भी नल जल का पानी कहीं नहीं पहुंचा है, आज भी कई घरों में बिजली नहीं जल रहा है और ये बुनियादी सुविधाएं हैं। आज भी लोग विकास ढूंढ रहे हैं। आज मांझी को नगर पंचायत घोषित कर दिया गया पंचायत राज से, और मुझे लगता है कि मांझी पूर्ण रूप से नगर पंचायत के लायक नहीं था, लेकिन बनाया गया। पंचायती राज का ही विकास नहीं हुआ, नगर पंचायत बनाया गया उसे। और जिस तरह से घूमने पे आज सड़कें नहीं हैं, कहीं बिजली नहीं है, कहीं पानी नहीं है, तो ये सब समस्या बेसिक बुनियादी सुविधा है जिससे आज भी जनता मांझी की वंचित है। और उसके बाद जब नगर पंचायत बना, तो नगर पंचायत का संपूर्ण विकास किस तरह से होना चाहिए, इस पे लोगों का फोकस नहीं है, लोग सिर्फ चुनाव लड़ रहे हैं। और मैं आप सबसे ये एक वादा कर रहा हूँ कि चेयरमैन प्रत्याशी के रूप में मेरी माँ इस नगर पंचायत से चुनाव लड़ रही हैं, और मेरा कंप्लीट यह वादा है मांझी के जनता से कि जो भी विकास का प्रारूप होगा वो अलग होगा, जो शिक्षा से होगा, स्वास्थ्य से होगा, बुनियादी जो सुविधाएं हैं उस पे होगा, और उससे हटके जो महिला का उत्थान है उसके लिए ट्रेनिंग सेंटर की व्यवस्था, जो युवा साथी हैं जो आज भी कई खेल से, कई प्लेग्राउंड से वंचित हैं, तो उनको मैं ये सब सौगात दूंगा मांझी नगर पंचायत में, और मिलके हम लोग एक नए नगर पंचायत का निर्माण करेंगे, नए मांझी का निर्माण करेंगे, जिसमें खेल का मैदान भी होगा, शिक्षा का संपूर्ण व्यवस्था होगा, स्वास्थ्य जो आज लचर व्यवस्था है मांझी की वो दुरुस्त होगा, एम्बुलेंस सेवा बहाल होगी, और मांझी नगर पंचायत में जितने भी सरकारी तालाब हैं उनको सौंदर्यीकरण करने का काम होगा। हर गली में लाइट, हर चौक चौराहे पे स्ट्रीट लाइट के साथ कैमरा लगाया जाएगा, ताकि सुरक्षा व्यवस्था से भी मांझी नगर पंचायत पूरे बिहार में नंबर वन हो। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मांझी नगर पंचायत में हो सकती हैं, लेकिन आप लोग को एक सुयोग कर्मठ ईमानदार प्रत्याशी चुनना है, और इसी चीज़ के लिए मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूँ। जरूर दीक्षांत से करो फ्री खुद को स्ट्रेस से। गूगल प्ले स्टोर से दीक्षांत ऐप डाउनलोड कर अपने स्टडी को बनाओ आसान और मजेदार। दीक्षांत देता है टॉपिक वाइज वीडियो विद एनिमेटेड विजुअल्स एंड कॉन्सेप्ट वाइज स्टडी मटेरियल्स।